ये मारवी का खूह है और ये पानी, ये गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म जो है हमारा सिंध का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उसने ये चीज बनाई। दोस्तों क्या हाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो, एक नई वीडियो में आप सबका खुश आमदीद कहता हूँ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मारवी वेल भालवा, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि मारवी का खूह, उमर मारवी की मशहूर दास्तान जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इस कुएं से। तो साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा। ये जी हम जा रहे हैं मारवी के खूह की तरफ, उमर मारवी की मशहूर दास्तान जो उमर बादशाह और मारवी के दरमियान स्टार्ट होती है, वो इस कुएं से स्टार्ट होती है। और चल के आपको वो कुआं दिखाते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि इतना सफ़र जो है वो मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोग देख सकें कि थर क्या है, नगर पार्कर क्या है, नगर पार्कर की खूबसूरती क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो देखने वाली हैं। तो एंजॉय कीजिएगा और साथ रहिएगा। ये है मारवी का खूह और अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि मारवी का खूह जो है वो कैसा दिखता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपको दिखाया जा सके कि ये क्या है, लेकिन हाँ जी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पुल वतनी है पाक दामनी जी, अजीम तारीखी किरदार मारी जो खूह, जें के उमर कोट जो बादशाह उमर सुमरो चौदहवीं सदी के सदी में अगवा करे वो केस पुट रानी पठान थे। कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये 14वीं सदी में उमर जो बादशाह था उमरकोट का, उसने यहाँ से इस खूह से मारवी को अगवा किया था और उसे अपनी बानी बना के ले गया था, और उसके बाद फिर जो इनकी लोक दास्तान जो स्टार्ट होती है वो हमारी बुक्स में भी आ चुकी है और बहुत ही मशहूर ये लोक दास्तान है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये पूरी स्टोरी जो है वो आपको मिल जाएगी, और कोशिश करूँगा कि मैं भी वीडियो में आपको थोड़ा सा इसकी गूगल करके पूरी स्टोरी जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ। ये जी उमर मारवी की बनाया हुआ है, ये उमर बादशाह है, ये मारवी है, ये उनकी दाई है, और ये कुछ सामान है उस वक्त के वक्तों का, ये जो पड़ा हुआ है 14वीं सदी की कहानी है। ये भी कुछ लिखा हुआ है इधर, और ये बर्तन है कुछ उमर मारवी लोक दास्तान में, पुराने बर्तन हैं, अब पता नहीं ये उमर मारवी की हैं, मारवी की हैं या किसके हैं, लेकिन हैं ज़रूर। ये यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है और मशहूर, उमरकोट की वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ,
ये पुराने बर्तन है। कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये जी मारवी के खूब इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है। और ये सामने मारवी का खूह है जिस पे एक अजीम दास्तान जो है उमर और मारवी की जन्म लेती है वो यहाँ से ही होती है। ये मारवी का खूह है और ये पानी निकल रहा है। कितने साल पुराना है? 800 साल पुराना है। 800 साल जी बकौल भाई के ये 800 साल पुराना है। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब घूमने वाले हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं सब घूमने के लिए। और ये सामने बाहर भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये सब भी घूमने के लिए आए हुए हैं। तो छुट्टियां हैं तो काफी रश है। तो दोस्तों ये था उमर मारवी का खूह और यहाँ की हिस्ट्री। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और नगर पार्कर की कोई जबरदस्त प्लेस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम। दुआ कर करा सिर नान के शकिन के खीर जो जुबान तेरे बादशाह के औलादन के रब जे पीर मुर्शिद वा।